ये जी बन रही है यहाँ पे डोली रोटी ज़बरदस्त किस्म की यार। ये आटा ही होता है सिंपल। अच्छा ये मुल्तान की जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान में आपको मुल्तान से ही मिलती है डोली रोटी, और कहीं से नहीं मिलती। इसकी क्या वजह? मुल्तान में आपके बारे में ना एक बात बड़ी मशहूर है, कोई आपको 10 रुपये भी देते हैं ना, हाँ आप उसको दे देते हैं। ये क्या वजह? 10 रुपये नाम ही दे पे कोई बात नहीं, यहाँ 10 रुपये वाला भी खाना खा जाता है। जी तो ये मामू छोले वाले हैं ये, और ये है मुल्तान का बाज़ार। बाज़ार से जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको इजीली मामू छोले वाले जो हैं वो मिल जाएंगे, और देखते हैं इनके पास क्या क्या होता है। ये सबसे पहले इनके पास होते हैं दही भल्ले। क्या है? मट्ठा। ये मट्ठा है, अच्छा वो माना रोटी लगती है, आपने बनानी भी है वो सामने जाओ ना, माना रोटी है और ये डोली रोटी है। ठीक है। और ये दाल मूंग है। दाल मूंग कभी खाया है आपने? दाल मूंग इस तरह नहीं बोलना, मैं दही भल्ले नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। ये चटनी है? चटनी है प्याजों की। ठीक हो गया। ये जी मट्ठा प्याजों की चटनी, साथ साथ खाते रहो ना बेटा। और मामू ये देखिए, ये दाल प्याज रखना है मामू। हाँ क्या बात है मामू, जबरदस्त। वो सामने लग रही हैं रोटियाँ, वो कौन सी रोटी है? मन्ना रोटी। ये तो ये यहाँ पे बन रही है मन्ना रोटी। ओए होए होए क्या सुहागा। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैं मामू छोले वाले, ये बैठे हुए हैं। ये जी बन रही है यहाँ पे डोली रोटी ज़बरदस्त किस्म की यार। ये आटा ही होता है सिंपल, सिंपल आटा ही होता है ये, आटा और मैदा होता है। अच्छा आटा और मैदा, और ये क्या चीज़ है? ये खिसकास और जार मगर। क्या बात है। ये बन रही है जी डोली रोटी, ज़बरदस्त। अच्छा ये मुल्तान की जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान में आपको मुल्तान से ही मिलती है डोली रोटी, और कहीं से नहीं मिलती। इसकी क्या वजह? ये इधर ही मुल्तान में ही मिलती है और कहीं। अच्छा इसका आटा आते हैं और साथ ही की मशीन लग रहा है। ये हमारे पास टोटल आगे चने, डोली रोटी और ये मट्ठा जो भी इनका है, अब इसको ज़रा ट्राई करके देख।